वेलकम बैक टू आवर चैनल DIY क्वीन। आज हम आ गए फिर से एक न्यू चैलेंज के साथ और आज हम कन्वर्ट होने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैमिली में। और मैं कर रही हूँ आज अक्षरा का रोल। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे कि अक्षरा बन जाओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीन रिक्रिएट करो, तो और मैं बनने वाली हूँ आज अक्षरा की भाभी और मैं बनने वाली हूँ अक्षरा की दोस्त और ये है हमारी बड़ी तो चलो फिर शुरू करें। हाँ, रेडी हो गया। हाँ, तो चलो अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये लुक मैंने कैसे रिक्रिएट किया है और अब हम करेंगे इस सीरियल के बेस्ट सीन्स रिक्रिएट, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये रहा हमारा स्नीक पीक। तो मैं बैठ गई हूँ मेकअप करने के लिए, मेरा फेवरेट काम, और यहाँ पे अक्षरा का लुक देख सकते हो आप। और आईज जो है ना रेड है और लिप्स भी शिमरी रेड है और हेयर स्टाइल थोड़ा ब्राइडल सा किया हुआ है गजरे के साथ। बहुत ही सिंपल सा लुक है, ऐसा लुक वैसे मैंने बहुत बार किया हुआ है, बट ठीक है आज हम लुक रिक्रिएट कर रहे हैं तो ये वाला लुक फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैं लगा रही हूँ ये प्राइमर। प्राइमर हो गया है, अब फाउंडेशन लगा लेते हैं। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का सुपर स्टे कवरेज फाउंडेशन। दो पम्प्स लेंगे। ये मैंने लगा लिया है कंसीलर और मैंने यूज किया ये फॉरएवर 52 का कंसीलर, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप में मैं लगा रही हूँ ये लूज पाउडर और इससे मैं अंडर आईज को बेक कर दूंगी ताकि क्रीजिंग ना पड़े। जब तक अंडर आईज बेक हो रही है हम ये आईब्रो पाउडर लगा लेते हैं इससे और आईब्रो सेट कर लेते हैं। मैं दो कलर्स मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे और इसे बस मिडिल पार्ट से इस तरह से फिल कर रही हूँ। बहुत ही क्विक मेकअप कर रही हूँ आज मैं और लाइटर शेड लेकर के मैं बस फ्रंट में ऊपर की तरफ ऐसे कर रही हूँ। आईब्रोज भी सेट हो गए। अब मैं आई शेडो यूज कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का और ये लाइटर शेड लेकर के क्रीज एरिया पे मैं अप्लाई करूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये शिमर लगा रही हूँ, उंगलियों पे ले लिया है मैंने ऑलरेडी और बस इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। नेक्स्ट अब मैं लगा रही हूँ ये लैक्मे का लाइनर। वैसे मुझे लाइनर लगाना उतना पसंद नहीं है बट अक्षरा ने एकदम पतला सा लाइनर लगाया हुआ है तो वही लगा लेते हैं। फिर मैंने बेकिंग रिमूव करके अच्छे से लाइनर लगा लिया, काजल लगा लिया और लैशेस लगा लिया जैसा कि अक्षरा के लुक में था। और ब्लश लगा के यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये वैसे तो प्रॉपर ब्राइडल लुक था पर अगर आप कहीं वेडिंग गेस्ट की तरह भी जाना चाहते हो तो ये लुक कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। मेकअप हमारा हो चुका है, अब चलो चेंज करके आते हैं, हेयर स्टाइल बना के आते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। तो भाभी के रोल में कन्वर्ट होने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मेकअप कर लिया और ब्लाउज भी पहन लिया, साड़ी पहनना बाकी है और मैं साड़ी पहनना बाकी है। अब मैं बन गई हूँ अक्षरा की भाभी और मैंने ये पहन ली है सुंदर सी साड़ी और ये बहुत हैवी इंडियन ज्वेलरी भी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और देखो मेरा सुहाग मांग का सिंदूर। खैर उसकी भाभी बहुत धीरे से बात करती है तो अब हम भी बहुत धीरे से बात करेंगे और चलते हैं अक्षरा के पास। पिछली बार मैंने कोकिला बहन का कैरेक्टर प्ले किया था ना, कैसा लगा था आपको कॉमेंट करके बता दिया करो ना, के बाद में और अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूंगी। ये लगाया मैंने टीका और ये पहने ही नहीं हो, अब मेरा लुक हो गया पूरा रेडी। लग रही ना मैं अक्षरा की बड़ी माँ। अन्नू तो रेडी हो गई? रेडी नहीं हुई अभी, मेकअप नहीं किया, बस कपड़े पहन लिए पुराने जमाने। ये इसने साड़ी पहनी है सीधे पल्ले की तो कैसी लग रही है, ब्लाउज थोड़ा सा ढीला है, आई विल मैनेज बट पर अभी इसने मेकअप नहीं किया देखो। ये मैं हूँ, ये हमारा मेकअप, मेरी नेचुरल स्किन है गाइस। तो अब हम करने वाले हैं ये वाला सीन रिक्रिएट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कहीं पे। और चलो फिर ये अपने दोस्त को बुला लेते हैं हम। मुझे तो हर बार उसको ऐसे और ये भी करने तरह भी हंसने वाली है ना, रुक जाना आप देख लेना। मेकअप वाले में खुद ही कुछ नहीं आता, मेकअप वाले ने इनसे मेकअप कराया अपना। Oh God, इतनी ओवर एक्टिंग।
तीन लोग का डायलॉग बोल रही थी अकेले को, समझ आई? बढ़िया ये। चलो रिहर्स हो गया, अब हम फाइनल टेक करते हैं। बस हो गया। अक्षरा कितनी सुंदर लग रही है ना आज, तो जीजी पे बिजली गिरने वाली है, सब तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। मैंने बोला था ना तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अब तो हंस दो। अब हम करने वाले हैं सेकंड सीन, जिसमें जो दद्दा जी हैं इनकी टपकली है, ओए इनके पति परमेश्वर और इनके पति टपकली और किसी अंधविश्वास में आके इन्होंने कुछ हरकत की है, तो उस पे नाम लगाया है ये वाला सीन, उसमें पूरा सीन है, तो अब देखते हैं कि कैसा है वो सीन। रोना नहीं, डांटना है इसकी तो बहुत तेज हो रहा है, हाँ। अंदर वो खाई जा रही है, पार्टी देने वाली है आज, मोमोज पार्टी। अब तो इतनी सुंदर सी लग रही है, एकदम नॉर्मल सी, ज्यादा बकवास मत कर जीतू, काम कर। ब्लश भर के आ गए गालों में, सुंदर सी नॉर्मल। अरे यार तो अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। आप लोगों को हमारी आवाज आ नहीं रही होगी, पर हम तीसरे सीन की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है? रेडी हो आप? वो सीन में ये नहीं है, इनको हम धक्के मार के बाहर भेज रहे हैं। बहुत बहुत ओवर एक्टिंग कर ली इन्होंने। अपना पहला ब्रेकअप याद करो द्रव्य, तुम्हें गुस्सा आएगा, समझो तुम्हारी एक्स खड़ी है और बोल दो डायलॉग। बहुत परेशान करती हो तुम, क्या था? ठीक है। ये बटन खोलना है, तुम्हें गुंडा बनना है यार। अभी अरे लड़कियों को कुछ तो दिखाओ, लड़कियां क्या देखी? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बच्चे को बिगाड़ती है बत्ता। ए सर्किट, अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। गजब बेइज्जती है। Yeah.